हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। आज छत पे गार्डनिंग के वक्त मुझे ये डब्बा दिखा एंड दिस वाज सो ब्यूटीफुल। कितना प्यारा सा इसका एक हैंडल था, शेप भी इसका बहुत ही यूनिक था, तो मैंने सोचा इसे रिपर्पस किया जाए। एक एडहेसिव का था डब्बा और इसे मैं सबसे पहले तो इसका ऊपर का जो टॉप है उसे हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक कैन ओपनर लेकर आई हूँ। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल डाल दूँगी। बहुत ही इजीली ओपन हो जाता है कोई भी कैन इससे। ये फिक्स कर देना है और लिवर को इस तरह से घुमाना है। ये इस तरह से बिल्कुल वेकेंट हो गया। अंदर तो कुछ डालेंगे हम, लेकिन मुझे जो इसका हैंडल है ना, बहुत पतला लग रहा है, तो इसमें सबसे पहले एक लेस पड़ा था मेरे पास, उससे इसे रैप करना है। मैं ग्लूगन यूज़ कर रही हूँ, आप पीवीए ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्लूगन की वजह से हो ये रहा है कि एक लेयर बन जा रही है और काफ़ी मोटा सा हो जा रहा है ये हैंडल। एजेस को इसके प्रॉपरली सील कर देना है, ग्लू गन लगा के इसे सील कर देंगे। नाउ ये मेरे पास एक डेकोपाज पेपर था, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये म्यूज़िकल नोट्स मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो इसका जो स्ट्रिप है, इसका जो विड्थ है, उसके लिए हमें इस डेकोपाज पेपर के स्ट्रिप्स काट लेने हैं। अब इसे हमने इसमें स्टिक कर देना है। इसके लिए मैं लूंगी 60% पीवीए ग्लू और 40% पानी और उसे लगाकर हमें इसे स्टिक करना है। ड्राई क्लॉथ लेकर आप जितने भी रिंकल्स इसमें बैठ रहे हैं उसे रब करेंगे ड्राई क्लॉथ से, तो ये बहुत यूनिफॉर्मली प्लेन चिपक जाएगा। बीच का पैच छोड़कर हम दूसरे साइड को सेम उसी तरीके से कवर कर देंगे। अब ये कॉर्नर्स के लिए हमने इसको फिर छोटे पीसेस में काट लेना है। ये छोटे बिट्स ऑफ पेपर भी अगर आप लगाएंगे तो ये बाद में ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे ही पूरा स्टिक हो गया, हमने ऊपर में सेम उसी ग्लू को कवर कर देना है, इससे जो ये बेस है ना इसका क्लियर हो जाएगा। मेरे पास इस तरह से प्लास्टिक का एक लेस पड़ा हुआ था, उसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी ब्लैक। एक वेस्ट पेपर नीचे रख लीजिए, नहीं तो वो पूरा ब्लैक जो है वो बेस को ख़राब कर देगा टेबल के। एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर लेना है। अब अगर मैं इतना चौड़ा लगाऊंगी तो वो पूरा दब जाएगा जो म्यूज़िकल नोट्स है, तो मैं सोच रही हूँ मैं हाफ ही लगाऊंगी और हाफ को अंदर की तरफ मोड़ दूंगी। ग्लू गन की हेल्प से इसे इस तरह से बीच से लगाना है और बाकी हाफ को अंदर मोड़ देना है। इससे जो टॉप का रिम है उसकी भी फिनिशिंग आ जाएगी
और जो म्यूजिकल नोट्स हैं वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। ये देखिए रेडी है। इसमें आप चाहें तो ब्रशेस रखिए अपने मेकअप के, या इस तरह से प्लांटर बना दीजिए। आपको अगर ये पसंद आया हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग।